पांक। हाँ भाई क्या बना, कांटे डाल दिए जूते में? हाँ हाँ डाल है उसको जूते में, अब वो पक्का जख्मी होगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। उम्र सारी यार तुमने तो उसके जूते में कांटे डाले थे, वो तो सही सलामत जा रहा है। पता नहीं यार मैंने तो उसको जूते में कांटे डाले थे। मुझे लगता है तुमने सही तरह कांटे नहीं डाले, कल को मैं जाऊंगा तुम्हारी जगह। आज तो मैं कांटे डालूंगा इसमें। Oh no! अब तो मैंने खुद कांटे डाले थे अपने हाथों से, लेकिन फिर भी ये सही सलामत जा रहा है। हाँ यार मैंने भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश की। अच्छा चलो कल फिर वहाँ बैठ के सारा मामला देखेंगे क्या मसला है। आज तो हम ये कांटे मिलके डालते हैं और यहाँ बैठ के सारा माजरा देखते हैं। चलो ये तो आज फिर इसके जूते में कंधे डाल रहे हैं, लगता है हाजी साहब को बात बतानी पड़ेगी। अरे इसने तो फिर जूती पहन ली। हाँ हाँ यार ये तो फिर जूती पहन के चलेगा, चलो इसका पीछा करते हैं। भाई साहब। जी भाईजान क्या हुआ? हाजी साहब मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। जी भाई आप खैरियत से ढूंढ रहे थे मुझे। हाजी साहब ये दोनों लड़के हैं ना, ये आपके जूते में रोजाना कांटे डालते हैं, मैंने मुसलसल देख रहा हूँ। भाई ये भाई सही फरमा रहे हैं। जी जी भाई साहब ये जो भाई ने बात बताई आपको बिल्कुल सच है, हम आपसे हसद करते थे, आपके इलाके में लोग इज्जत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं आपको रास्ते में आते जाते, से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी इसलिए हम ये काम करते थे। अभी भी आपकी जूती पे कांटे डाल रहे हैं, आपको महसूस नहीं हुआ कुछ? क्या कांटे डाले हुए हैं? ये क्या है? हमने तो कांटे डाले थे, ये तो फूल निकल आए। मेरे भाई हसद नहीं किया करते, अल्लाह आपको हिदायत दे, मेरी ये नसीहत है कि हसद नहीं किया करते, हसद एक बहुत बड़ी लानत है, आपने इससे जितना हो सके दूर रहना है, ठीक है? ये मेरी आपको तलकीन है, आप अगले को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करो, ना कि उसको नीचे उतारने की कोशिश करो। मैं चलता हूँ। दुनिया की ये हकीकत है कि लोग इंसानों को सफ़े इबादत पर भी नहीं छोड़ते, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, आमीन।